सब्सक्राइब में क्या क्या करना है? वेलकम टू माय चैनल। हाँ, सब्सक्राइब सब्सक्राइब। यार जैसे इसमें बहुत सारे स्टिकर लगे हुए हैं, अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो मैं भी अपना स्टिकर बनाऊंगा। तो गाइस थक गया हूँ चल चल के। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे गाइस। तो गाइस ये कल हमने यहाँ खड़ी करी थी गाड़ी, सीमेंट लोड होगा इसमें और यहाँ से हम नाको निकलेंगे। तो ऑलमोस्ट हो गई है लोडिंग, लगे हैं लेबर वाले। गाइस ये हो रही है सुबह सुबह कड़ी मेहनत। ये आ गया तिरपाल और रस्सा। पहले बारिश हो रही थी, लोडिंग पूरी हो गई है और हमारे गोभी शकवा है, उसे हम बात कर। गोभी शकवा हेलो करो तो। अरे रे, फाइनली तिरपाल लग चुका है और हालत यहाँ पे खराब है। शकवा धन्यवाद यार, ये तिरपाल मारने में मदद करे थे। सुनील कर रहा थोड़ा शीशे की सफाई। तो झाकड़ी बाजार हो गए हम क्रॉस और मेरे को लगता है कि पू या शांगटोंग पहुंच के हमारे को रुकना पड़ेगा क्योंकि मौसम भी बहुत ख़राब हो चुका है, देख सकते हैं जैसे। तो यहां से अब कंटिन्यू रखते समय लल्ली साडू भाई अपना। और लल्ली ठीक ठाक? हेलो गाइस, कैसे हो? सब बढ़िया है, फैमिली वाले। स्वागत है आपका किन्नौर में दोबारा से। गाइस बरसात का मौसम है, जगह जगह पत्थर गिर रहे हैं, संभल के चले जो भी किन्नौर के लिए आ रहे हैं। तो काम चला है अपना निगुल सरी ब्लॉक पॉइंट, वहाँ से भी गाड़ियाँ छूटी होनी, तो यहाँ से वन बाय वन सारी निकल रही है। दिन में इसमें काम चला तो इसी कारण गाड़ियाँ रोके रखी होती है। तो देखो अब कैसे पत्थर गिरे हुए हैं। जय माता दी, पहुंच गए हैं त्रांदा मंदिर, अब दर्शन करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। गाइस बिल्कुल आरती के समय पहुंचे अभी। जय माता दी, जय माता दी। शांगटोंग से थोड़ा सा आगे आता है पुआरी, छोटा सा स्टेशन है यहाँ पे, अपने बड़ी लोग इंतजार कर रहे कब से, फाइनली हम वहाँ से मिलते हैं इनसे। कैसा है बे? आने से पहले ऑर्डर दे चुके थे चिकन बनाने के लिए, तो बंदे ने पहले ही बना के रखा था। मैं कुमारी ने, उसका नाम कुमारी है राजकुमार, ये अपने शान भाई हैं। तो गाइस उस पार गाड़ी लग चुकी है, अब यहाँ पे डिनर वगैरह करके करते हैं रेस्ट। और कल सुबह 5 बजे से स्टार्ट होगी यहाँ से जर्नी, यहाँ से आगे की 100 किलोमीटर रन में कर चुका हूँ। पीओ यहाँ से होगा अभी हार्डली 8-9 किलोमीटर, यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे जाके अलग रास्ता कट जाता है पीओ के लिए। तो इन्होंने क्या क्या बनाया चेक कराता हूँ, चेक इन आउट। ये दोनों भाई की गाड़ी लग चुकी है ढाबे के अंदर और 10% मेरे वाले से बड़ा लग रहा है, बहुत बड़ा, अपना छोटा लग रहा है। तो अब खाना वगैरह सब रेडी है, अब करते शुरू। शान भाई और मेरी गाड़ी बिल्कुल साथ में मिला के लगा दी हमने। और ये लाइट देख सकते हैं आप, कितना खतरनाक लुक दे रहा है यहाँ पे,
और इन्होंने पहले तैयारी करके रख ली थी। अरे वाह, सब कुछ साफ कर। अरे थैंक यू सो मच सर। बाकी राजकुमार आ रहा है फिर। सर कुमारी आ चुका है अब। भाई सबको आए बोल दे। सब्सक्राइब में क्या क्या करना? वेलकम टू माय चैनल। हाँ सब्सक्राइब सब्सक्राइब। सुनील पार्ली साइड से दूसरी गाड़ी से खाना देगा हमारे को इस गाड़ी के लिए। या कितना रुपए प्लेट भैया जी? भैया जी कितना रुपए प्लेट है? हाफ हाफ डालना सबको पहले। एक हाफ प्लेट प्लीज। मोटा ही खा बुढ़ाएंगे सुनील। तो ये चिकन चावल रेडी है, अब करते हैं डिनर। हमारा लल्ली भाई भी कर रहा है, अब सब करते हैं। ओके तो गाइज मिलते हैं सुबह गुड मॉर्निंग में। हेलो गाइज गुड मॉर्निंग, हो गई अगली सुबह। अब निकल रहे हैं यहाँ से अपना पारी से और 70 किलोमीटर। तो गाइज ये है पारी कैंची। यहाँ से जो लेफ्ट साइड पर रास्ता दिख रहे जा रहा है पीओ, और हम यहाँ से सीधा आगे जाएंगे नाको वाले रास्ते में। जगह है ये है गर्म पानी की जगह, यहाँ पे नहा सकते हैं। तो अपना फ्रेश होकर निकलते हैं, हाथ मुँह धोते फिर और उसके बाद निकलेंगे यहाँ से कंटिन्यू। तो सुनील चल फ्रेश होते हैं, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू निकलेंगे। ये थोड़ा सा हाइट में जाके ऊपर को, काफ़ी गर्म है सुनील पानी। तो काफ़ी गर्म पानी है, वाओ नेचुरल वाटर। तो होते फ्रेश। तो गाइस हाथ मुंह धो लिया हमने, अभी बाकी नहाने के लिए टाइम नहीं है और लेट हो सकते हैं यहाँ से। अब ये सफ़र पता नहीं कितना लंबा क्या है, ये देखना पड़ेगा। तो इसीलिए अब हाथ मुंह धोके यहाँ से कंटिन्यू। फिर हाँ यहाँ पे पत्थर भी आते ऊपर से, थोड़ा ध्यान से जो भी अगर नहाएगा यहाँ पे। जहाँ से हम अभी क्रॉस होने वाले हैं किन्नौर का सबसे लंबा पुल बोल सकते हैं हम इसको। गाइस आपके भाई की थोड़ी सी तबीयत खराब है, थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है। चलो वो तो कोई बात नहीं, पर जो सुबह सुबह का मौसम है क्लाउडी मौसम बहुत अच्छा है, और ऊपर से जो आप देख पा रहे हैं पहाड़ों में भी बर्फ दिख रही है, यहाँ से काफ़ी अच्छा है। अब स्पीलो रह गए यहाँ से अराउंड 16 किलोमीटर हो रहे हैं। तो स्पीलो स्टेशन है वहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, तो उसके बाद हम वहाँ से कंटिन्यू निकलेंगे। ये जो सामने पुल दिख रहा है पाली साइड, ये जा रहा है ठांगी मोरंग, और ये जो सीधा जा रहा है काजा वाला रोड है, हम इस पर कंटिन्यू आगे जाएंगे। और यहाँ से स्पीलो रह गया कम से कम 7 किलोमीटर।
नदी बिल्कुल साथ में है, तो व्यू अलग लेवल का जा रहा है गाइस, और ड्राइव करने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो गाइस जो सामने दिखाई दे रहा है वो है स्पीलो, वहाँ पे अभी हम रुकेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर निकलेंगे वहाँ से। थोड़ा सा पीछे रह गया क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं थी गाड़ी लगाने को, तो हम थोड़ा सा आगे आ गए। अब चलो यहाँ से निकलते हैं, ब्रेक ठीक है चले। मेरे को लगता है काफ़ी ब्लॉगर आ गए हैं, यहाँ पे स्टिकर ही स्टिकर बहुत है, पूछते ब्रेकफास्ट है कि नहीं। जैसे इसमें बहुत सारे स्टिकर लगे हुए हैं, अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो मैं भी अपना स्टिकर बनाऊँगा, एवर लाइफ ऑफिशियल के नाम से स्टिकर होगा। गाइज आ गया है नाश्ता गर्मा गर्म, सुनील तो शुरू भी कर लिया। ब्रेकफास्ट हो गया गाइज, तो यहाँ से अब आगे निकलते हैं, और यहाँ से आगे पू होगा कम से कम में भी 24-25 किलोमीटर होगा। बीच रोड में गाड़ी धोने का भी है साधन, थोड़ा सा पानी मारते हैं और निकलते हैं। सुनील तब तक पानी मारेगा शीशे में, और बोल रहा था कि पहाड़ों में अब पेड़ कम हो जाएंगे, अब देख पा रहे कि ऊपर ऊपर बिल्कुल कम कम हो गए, और यहाँ से आगे जो भी है बिल्कुल खाली पहाड़ है बिल्कुल आगे तक। जो सामने दिखाई दे रहा है ये पू विलेज है, काफ़ी सुंदर लग रहा है यहाँ से। मैं उसके पाली साइड पहुँच चुका हूँ जहाँ से मैं यहाँ से व्यू कैप्चर कर रहा हूँ, और काफ़ी सुंदर लग रहा है। गाइस पहुंच गए खाब, अब बाहर से विजन लेते एक बढ़िया सा, तो यहाँ से लगातार चढ़ाई शुरू हो जाएगी ऊपर नाकों पर। गाइस यहाँ से अब स्टार्ट हो जाएगी अपने नाकों की चढ़ाई, और काफ़ी खूबसूरत व्यू है यहाँ पे, सारे बाइकर्स आगे यहीं पे रुकते हैं। मैक्सिमम मैंने इंस्टाग्राम रील में भी ये देखा था कि इस ब्रिज पे आके सारे रील बना रहे होते हैं, और जैसे यहाँ से चढ़ाई शुरू हो जाती है बाइक 360 वाला कैमरा ऑन कर देते हैं यहाँ पे, और काफ़ी मनमोहक व्यू है यहाँ पे। ज़्यादा शोर है, सुनाई नहीं दे रहा था वीडियो में कुछ, तो अब यहाँ से निकलते आगे लगातार चढ़ाई है। अब आगे लियो गांव आएगा, वहाँ पे पहले खाली करेंगे, फिर वहाँ से जो बचा हुआ माल हो ना उसको लेके जाएंगे। तो मिलते हैं आगे, अब चलो लेट्स गो। गाइस इतनी ऊंची पहाड़ी है कि अगर आप अपनी गर्दन 360 पे घुमा लेंगे फिर भी कम पड़ जाएगा, और मैं ये अनुभव कर चुका हूँ अभी। गाइस आगे से अब कैंचिया है, और यहाँ से हम कैंचिया चढ़ेंगे।
सारी चढ़ाई हो गई कंप्लीट। कैंचियाँ 7-8 थी शायद नीचे से, मैंने गिनी नहीं। और काफ़ी सुनसान जैसा लग रहा है अभी। आगे कैंची आने वाली है, वहां से हम जाएंगे लेफ्ट साइड लियो विलेज। तो लियो के लिए अलग से लिंक रोड जाता है 7 किलोमीटर। तो गाइज पहुंचने वाले हैं लियो। लियो यहाँ से पाली साइड रह गया लियो, और ये पूरा व्यू वहाँ का, ये सारे जितने भी आपको ट्रीज दिख रहे हैं ये सारे के सारे एप्पल वाले हैं। और बहुत ही प्यारा गांव है, छोटा सा। विलेज में एंटर हो गए, और यहाँ पे एक शटर है, यहाँ कोई शटर है उसके अंदर, यहीं पे गिरना है कहीं बाजार में। गाइस तो उतारने के वाले लेबर वाले अभी आने को टाइम लगेगा, तो वेट करने के लिए कहा है, अब थोड़ी देर तक यहीं वेट करना पड़ेगा। गाइस बहुत कड़क धूप लगी है यहाँ पे, और रामपुर में तो अपने कंटिन्यू बारिश हो ही जा रही है। हाँ सुनिए, आप कुछ कहना चाहेंगे इस वादियों के बारे में? मुझे घर जाना है। मुझे घर। तो गाइस काफ़ी वेट हो चुका है यहाँ पे, मोमो का लंच करते और शांत बैठे रहते हैं, वादियाँ देखते रहते हैं। कि वादियाँ भी कितनी देखेगा यार। मोमोज खाओ, चिकन मोमो रेडी। चल सुनिए, लाइफ में इतने मोमो खाए पर साइज देखो आप, इतना बड़ा है, काफ़ी लार्ज। तिरपाल हमने निकाल दिया है, अब फाइनली गाड़ी खाली हो रही है, तब तक करते तिरपाल फोल्ड। LP ये वाली फीलिंग पूरी क्लोज। तो गाइस फाइनली 4 बजे करीब हमारी गाड़ी खाली होके अब हाईवे इंडिया हाईवे, यहाँ से हम आगो के लिए। गाइस फाइनली पहुंच गए हम नाको विलेज।
वॉक करते हुए जाएंगे वहाँ उस लेक तक। तो गाइस थक गया हूँ चल चल के, इसलिए आलू लगे हुए हैं और ये जब सीजन क्लोज है उस टाइम आलू निकलेंगे यहाँ से। तो जैसे अंदर एंटर करेंगे तो काफ़ी सारे होम स्टे हैं यहाँ पे, होम स्टे यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं और आगे से हम शॉर्ट जाएंगे। एनर्जी वेस्ट हो रही है, वहाँ पहुँच के सारी एनर्जी वापस आ जाएगी। पहुँचने के बाद ऐसा सीढ़ी जाएगी नीचे। सीधा चले शायद पानी कम है। तो गाइस नागो झील में अब बोट भी अवेलेबल हो गई है, अगर आप यहाँ पे विज़िट करते हैं तो इस बोट का भी एंजॉय लीजिएगा। यहाँ पे काफ़ी शांत माहौल और पीस टाइप जगह है। तो गाइस फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन में पहुँच गए और काफ़ी अच्छा लगा घूम के। और अभी गर्मी के टाइम में यहाँ पे पानी काफ़ी भरा होता है, पर आजकल पता नहीं क्यों कम। प्यार से ये बात हाथ क्यों मूवमेंट कर रहे थे। तो गाइज ट्रक वाला ब्लॉग है, तो कोई ट्रक लेके स्पेशली तो आया नहीं होगा, मेरी तरह पागलपंती तो कोई करेगा नहीं। तो मैं स्पेशल जहाँ पे सीमेंट खाली किया हमने, वहाँ से हम स्पेशल 15 किलोमीटर रन करके सिर्फ ये चीज़ें कवर करने हम स्पेशल आपके लिए। तो गाइज काफ़ी मेहनत की इस ब्लॉग के लिए, आई होपफुली कि आप लोग सब इन्जॉय करेंगे इस ब्लॉग को और बहुत ढेर सारा प्यार भी देंगे इसको। और जो नए व्यूअर्स देखते हैं, तो जो नए व्यूअर्स देखेंगे कृपया सब्सक्राइब करके जाएं अपने भाई को। तो अब मैं यहाँ से वापस निकल रहा हूँ, तो मिलते हैं अदर ब्लॉग में। जो भी मैं कहीं अदर जगह जाऊँगा तो उस टाइम बनाऊँगा। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ आके आप झील में घूमोगे या यहाँ से कहाँ चल जाओगे, वो अलग बात है। जो सफ़ेद वाला सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, बस दबा देना है बस।